काले धन पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने 500 और 1000 के पुराने नोटों पर रोक लगा दी है, जिसके बाद नए नोट पाने के लिए अफरा तफरी मची है। और इस बीच अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिस बैंक ने ब्याज दरें कम करने का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि एक्सिस बैंक ने अपने लैंडिंग रेट्स में 15 से 20 बेसिक पॉइंट की कमी की है, जिसके बाद अब इसकी ब्याज दरें 9.05% पर पहुंच गई है। हालांकि स्टेट बैंक ने ब्याज दरों में यह कटौती जमा खातों पर की है, जो कि 15 बेसिक है। इसके बाद स्टेट बैंक में एक साल के लिए जमा रकम पर मिलने वाला ब्याज 7% से नीचे चला गया है। ऐसा पिछले 7 सालों में पहली बार हुआ है। बैंक ने सालाना जमा रकम पर ब्याज दरें 6.9% कर दी है। इसके अलावा बैंक ने 456 दिन से 2 साल से कम के लिए की जाने वाली FD पर ब्याज दर घटाकर 6.95% कर दी है। प्रस्तावित ब्याज दरें ताज़ा जमा और परिपक्व हो रही मियादी जमाओं के नवीनीकरण पर लागू होगी। तो नोटबंदी के इस दौर में SBI समेत कई बैंकों ने बड़े ऐलान किए हैं। इस खबर पर और चर्चा के लिए मौजूद हैं हमारी सहयोगी और मार्केट एक्सपर्ट अंकिता। तो अंकिता, बताइए कि क्या वजह है कि बैंक ब्याज दरें कम कर रहे हैं? नोटबंदी के बाद लोग बैंक्स में खूब पैसा जमा कर रहे हैं, चाहे वो काला धन हो, संचित हो या जमा पूंजी हो। अब बैंक्स में पैसा जमा होने के कारण फंड फ्लो बढ़ रहा है और बैंक उस पैसे का यूटिलाइज करेगी ही। अब जैसा कि SBI ने कम अवधि के फिक्स डिपॉजिट पे ब्याज दरें घटाई हैं, वहीं दूसरी तरफ एक्सिस बैंक ने भी अपना कम अवधि के लोन्स पे ब्याज दरें घटाई हैं। और अब फंड फ्लो ज़्यादा होने के कारण बैंक्स में कंपटीशन तो बढ़ेगा ही, और उससे ग्राहकों को भी आने वाले टाइम में फ़ायदा मिलेगा। अब एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि रिजर्व बैंक भी रेपो रेट में परिवर्तन कर सकता है जल्द ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता आपका। SBI ने जहां बचत और फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरों को कम कर दिया है, जिससे ग्राहकों को घाटा होगा, वहीं एक्सिस बैंक ने लोन की कम अवधि की ब्याज दरों में कटौती करके ग्राहकों को राहत दी है। जाहिर है कि नोटबंदी के बाद अब बैंकों में भी आपसी स्पर्धा दिखाई देने लगी है। देखते रहिए DP Live।